गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 30, जो कि 18th of September 2021 के लिए है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, यानी 1815 के बाद यूरोप में किस तरीके से दोबारा रूढ़िवाद आया, इसके बारे में देखेंगे। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं की मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन वियना में किया गया, यानी वियना में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसको कांग्रेस का नाम दिया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निख ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी कि वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं, यानी कि विशेषताएं बतानी है इसमें, विशेषताएं देख लेते हैं। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना, फ्रांस में बुर्बो राजवंश जो समाप्त हो गया था उसकी दोबारा से स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो उनसे नेपोलियन के समय में जीता था, यानी कि जो फ्रांस ने इलाके नेपोलियन के समय में जीते थे उन पर अपना आधिपत्य खो दिया। आगे देख लेते हैं, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना। तो इस तरीके से ये विशेषताएं थी वियना संधि की। आगे देखते हैं, ड्यूक मेटर्निख ने क्या किया। ड्यूक मेटर्निख जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुखाम हो जाता है। उन्होंने क्या कहा था, यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुखाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र, यानी रूढ़िवादी तंत्र की पुनः स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी कि ये जो दोबारा से राजतंत्र को स्थापित किया गया, दोबारा से रूढ़िवादी परंपरा को लाया गया, तो उसको लाने में इनका महत्वपूर्ण भाग था, इनका महत्वपूर्ण हाथ था। आगे देखते हैं, ज्यूसेपी मेत्सिनी, इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बने। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया की क्रांति के करने के लिए इन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया, यानी इन्होंने जो क्रांति की थी इसके लिए इन्हें पनिशमेंट के तौर पे देश निकाला दे दिया गया, यानी देश से निकाल दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। ठीक है, तो इन्होंने दो संगठन और बनाए, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। तो इस तरीके से इन्होंने दो संगठनों की स्थापना की। मेत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसकी प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादिता के मन में भय कर दिया। मेटर्निख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो मेटर्निख ने बताया कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योत्सी मेत्सिनी ने अपनी विचारधारा दी। ये थी आज की वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की वर्कशीट पर बेस्ड जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 2, मेटर्निख की भूमिका का वर्णन कीजिए। नंबर 3, मेटर्निख ने मेत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना, वे किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। और प्रश्न नंबर 4 है, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो ये हैं आज के 4 प्रश्न जिनके हमें लिखने हैं उत्तर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इन 4 प्रश्नों के उत्तर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है,
वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर एक, फ्रांस में बुर्बोन राजवंश की पुनः स्थापना, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बोन वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर सत्ता दे दी गई। यानी कि हुआ क्या, जब नेपोलियन की हार हुई तो उससे पहले जो नेपोलियन नए रूल लेकर आया था उनको वापस बदल के पहले जैसा कर दिया गया। तो बुर्बो राजवंश जिसकी मतलब जो समाप्त हो गया था उसको पुनः स्थापित कर दिया गया, उसकी सत्ता वापस आ गई। नंबर दो, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। इस संधि का मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलावों को बदल देना, यानी जो बदलाव नेपोलियन के काल में आए थे उसको वापस पहले जैसा कर देना। नंबर तीन, फ्रांस ने उन इलाकों पर अपना आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय में जीते थे, यानी नेपोलियन के समय में जो कुछ भी उसने जीता था वो सभी वापस चला गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना, फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश ना करे। बात करते हैं प्रश्न नंबर दो की। प्रश्न नंबर दो है, मेटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, ड्यूक मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली राजनयिक था। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिक यूरोप की राजनीति का सर्वे सर्वा बन गया। उसने यूरोपीय राजनीति में इसकी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन कहता है, मेटरनिक ने मेडिसिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? वे किस सामाजिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे? तो मेडिसिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में, अवस्था और या आयु भी लिख सकते हैं यहाँ, मात्र 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। यानी लिगुरिया में जो उसने क्रांति की थी इसके लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, या फिर कह सकते हो देश से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे। तत्पश्चात उसने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसके बाद दो संगठन उसने स्थापित किए थे। पहला था मासई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मेडिसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। यानी कि ये उनकी विचारधारा थी मेडिसिनी की। उसका विश्वास क्या था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो ये मेडिसिनी की विचारधारा थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर चार की, जो कि आज का अंतिम प्रश्न भी है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर चार, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए थे? नेपोलियन बोनापार्ट 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कौंसिल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। ठीक है, वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं के रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र व परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिपेक्ष में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया।
नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटर्निक यूरोप की राजनीति का सर्वे सर्वा बन गया। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को टेलीग्राम पर भी, और वहां से रिटन नोट्स के द्वारा आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।